तो हेलो 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 भाई लेट्स लोग, वार्म कैसे अप। हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, जो कंपैरिजन होने वाली है क्यूपिड्स कार और वायोलेट टेरर्स कार के बीच में। अब क्यूपिड्स कार के अंदर है डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज और माइनस सिंगल रेंज, ठीक है। और अगर वायोलेट टेरर की बात की जाए तो उसके अंदर सिर्फ सिंगल रेट ऑफ फायर अप है, मतलब कि जो वायोलेट टेरर है वो 4 या 5 दिन के पहले सबको फ्री में मिल चुकी है और इसके अंदर रेट ऑफ फायर सिंगल अप है। तो अगर क्यूपर्स कार की बात करें तो दो चीज़ प्लस है, सिंगल चीज़ माइनस है और इसके अंदर सिंगल चीज़ प्लस है। तो एक फ्री स्किन है और एक डायमंड वाली स्किन है। तो आज यही देखने वाले हैं कि कौन सी स्किन कितनी वैल्यू प्रोवाइड करती है और सिंगल एरो और डबल एरो जो रेट ऑफ फायर के सामने है उसका क्या मीनिंग होता है। तो ओरिजिनल स्कार के सामने भी इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आज इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और अभी तक अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो या फिर मेरे वीडियो देखते हो और पसंद आता है तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन क्लिक करो और ऑल सेलेक्ट कर लो। और उसी के साथ साथ जो AK है, यूनिकॉर्न AK, उसका इंक्यूबेटर आ चुका है। और अगर आप लोगों को इसके किसी गन स्किन की कंपैरिजन चाहिए दूसरे AK के साथ तो मेरे को कमेंट करके आप अभी से बता दो तो मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपको अगर ये भी चाहिए कि इन सब में से सबसे बेस्ट कौन सी है, कौन से निकालनी चाहिए, तो उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं रेट ऑफ फायर से और जिसमें हम क्यूपिड्स कार का रेट ऑफ फायर देखने वाले हैं। तो अगर क्यूपिड्स कार की बात की जाए तो गाइस उसमें टोटल 30 गोलियां आती है जिसको फायर होने में लगते हैं 3.9 सेकेंड, मतलब 3.9 सेकेंड लगते हैं, मतलब कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.130 सेकेंड लगाती है टू बी प्रिसाइज। अब अगर वायोलेट टेरर्स कार की बात की जाए तो उसके अंदर भी हम 30 गोली का ही मैगजीन लेंगे, पर यहाँ पर उन 30 गोली को फायर होने के लिए 4.1 सेकंड लग रहा है, मतलब कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.136 सेकंड लगा रहा है, जो कि क्यूपिड्स कार के मुकाबले 0.006 सेकंड ज़्यादा है। अब अगर नॉर्मल स्कार की बात की जाए तो उसके अंदर भी हम 30 बुलेट का मैगजीन लेंगे और उसको फायर होने में सबसे ज़्यादा 4.5 सेकंड लग रहे हैं, मतलब कि एक बुलेट जो है वो 0.15 सेकंड लगा रही है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल स्कार है उसका फायर रेट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर तीनों की तीनों स्कार को हम साथ में रख के कंपैरिजन करें तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि क्यूपर स्कार में एक बुलेट ऑन एवरेज 0.130 सेकंड में चलती थी, जबकि वायोलेट टेरर के अंदर वही चीज़ 0.136 सेकंड में चलती थी। और नॉर्मल स्कार की बात करें तो उसमें तो 0.15 सेकंड लग जाते थे। मतलब कि अगर परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट की बात करें तो नॉर्मल स्कार का जो फायर रेट है उसके मुकाबले वायोलेट टेरर स्कार जो है उसका फायर रेट 12% के आसपास ज़्यादा है। मतलब एग्जिट वैल्यू तो नहीं है मगर 12% के नज़दीक है, प्लस माइनस 0.5% होगा। और अगर क्यूपिड्स कार की बात करें तो उसका मतलब उससे भी डबल, मतलब कि 25% के आसपास है उसका फायर रेट, जो कि नॉर्मल स्कार से ज़्यादा है। तो आप इन कैलकुलेशंस को अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डबल वेरीफाई करके मैंने किया है, तो मतलब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो सिंगल एरो है उसका मतलब अराउंड 12% होता है स्कार के फायर रेट के मुकाबले, ठीक है। गाइज अब हम आते हैं स्टेटिक एक्यूरेसी के ऊपर और यहाँ पर आप एक्यूरेसी में देख सकते हो कि क्यूपर स्कार और वायोलेट टेरर स्कार जो है उनकी स्टेटिक एक्यूरेसी में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। भले ही क्यूपर्स कार का जो फायर रेट है वो ज़्यादा है वायोलेट टेरर्स कार से, मतलब अराउंड 12% का डिफरेंस है, फिर भी जो रिकॉइल है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने कोई भी मैगजीन या फिर कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाया है, ना ही कोई फ्रूग्रिप लगाई है, तो आपको जो वैल्यू दिख रही है वो एकदम नॉर्मल वाली है। अब अगर डायनामिक रिकॉइल की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्यूपर्स कार और वायोलेट टेरर्स कार इन दोनों के डायनामिक रिकॉइल में भी कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि क्यूपर्स कार जो है ना उसका रिकॉइल ज़्यादा कंट्रोल मैनर में रहता है फिर वायोलेट टेरर्स कार है उसके मुकाबले। तो आप नॉर्मली देख ही सकते हो यहाँ पर कि काफ़ी अच्छा रिकॉइल पैटर्न है इस कार का।
तो गाइज अब हम आते हैं डैमेज के ऊपर। तो अगर 10 मीटर तक आपके ऊपर कार से बॉडी शॉट मारते हो तो आपको 30 का पड़ता है, और हेड शॉट मारते हो तो 165 का पड़ता है। अब 30 मीटर पे ये वैल्यू कम होती है 29 की, और हेड शॉट हो जाता है 159 का। 40 मीटर पर ये और रिड्यूस होता है 26 का बॉडी शॉट और 143 के हेड शॉट के ऊपर। और उससे ज़्यादा 50 मीटर या 50 मीटर से ज़्यादा जाओगे तो आपको 23 का बॉडी शॉट मिलेगा और 132 का हेड शॉट मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ विथआउट वेस्ट एंड हेलमेट है। अगर वेस्ट और हेलमेट आएगा या फिर डिस्टेंस में कोई भेदभाव आएगा तो ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, ठीक है। तो गाइज अब हम आते हैं वायोलेट टेरर के डैमेज के ऊपर। तो वायोलेट टेरर के अंदर आपको 10 मीटर तक 28 का बॉडी शॉट और 154 का हेड शॉट मिलेगा। 30 मीटर तक आपको 27 का बॉडी शॉट और 148 का हेड शॉट मिलेगा। 40 मीटर तक आपको 25 का बॉडी शॉट और 137 का हेड शॉट मिलेगा। और 50 मीटर या उसके बाद आपको 22 का बॉडी शॉट और 121 का हेड शॉट मिलेगा। यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये जो वैल्यू है वो नॉर्मल स्कार के मुकाबले ही है, और ये जो स्कार है उसकी एबिलिटी है कि आप जब बैठ के फायर करते हो तो डैमेज स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि बॉडी शॉट में +1 और हेड शॉट के अंदर +5 आप कर सकते हो। तो गाइज अगर आप दोनों गन के डैमेज को एक साथ हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि हर एक लेवल के ऊपर यहाँ पर 2 से 3 का डिफरेंस मिलता है आपको डैमेज के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस है क्यूपिड स्कार को एक डैमेज प्लस का एडवांटेज है, हालांकि उसकी रेंज माइनस है। तो जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, दोनों स्कार ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस दिखाती जाती है। तो सुपर लॉन्ग रेंज के अंदर अगर आप स्कार को यूज़ कर रहे हो तो दोनों स्कार आपको सेम रिजल्ट देगी, जो कि 80 या 90 मीटर के आसपास है, ठीक है। और उससे क्लोज में अगर आप यूज़ कर रहे हो मिड रेंज के अंदर, जिसके लिए स्कार को बनाई गई है, तो उसमें आपको ऑब्वियस है क्यूपिड स्कार एकदम धासू परफॉर्मेंस देगी उसके रेट ऑफ फायर, एक्यूरेसी और उसके डैमेज के कारण। तो यहाँ पर एक क्लियर कंक्लूजन निकलता है कि क्यूपिड स्कार जो है वो वायोलेट टेरर स्कार से काफ़ी हद तक बेहतर है, और बेहतर होनी भी चाहिए क्योंकि वो एक लेजेंडरी गन स्किन है। तो गाइस अब आते हैं डैमेज पर सेकंड के ऊपर। तो सबसे पहले क्यूपिड स्कार का डैमेज पर सेकंड कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूपिड स्कार की 30 गोली फायर होने में 3.9 सेकंड लगते हैं, मतलब कि एक गोली 0.130 सेकंड में चलेगी, मतलब कि एक सेकंड में क्यूपिड स्कार 7 गोली चला पाएगी। अगर क्लोज रेंज के डैमेज को मल्टीप्लाई करें तो क्लोज रेंज का DPS होगा डैमेज पर सेकंड, मतलब कि 210, और अगर फार रेंज की बात करें 50 मीटर से दूर की तो वो आएगा 161। यहाँ पर गाइस एवरेज डैमेज जो है वो बॉडी शॉट के ऊपर से कैलकुलेट किया गया है। अब अगर वायोलेट टेरर स्कार के ऊपर हम आए तो उसके अंदर जो 30 गोली है उसे फायर होने में लगते हैं 4.1 सेकंड, यानी कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.136 सेकंड लेगी फायर होने में, मतलब कि एक सेकंड के अंदर 7 गोली फायर कर सकता है वायोलेट टेरर स्कार, जो कि क्यूपर स्कार के साथ सेम है। पर यहाँ पर डैमेज में काफ़ी रिडक्शन होने पर जो क्लोज रेंज का डैमेज पर सेकंड है वो 196 हो जाएगा, और जो फार रेंज का मतलब 50 मीटर से ज़्यादा का जो डैमेज पर सेकंड है वो 154 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि दोनों के डैमेज पर सेकंड में काफ़ी डिफरेंस है। अगर दोनों को सामने सामने रखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्यूपिड स्कार जो है उसका डैमेज पर सेकंड ऑलमोस्ट 14 पॉइंट ज़्यादा है, और अगर बात की जाए दूर रेंज की, मतलब कि फार रेंज के डैमेज पर सेकंड की, तो उसके अंदर सिर्फ 7 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कम हो गया क्योंकि क्यूपिड स्कार के अंदर रेंज जो है वो माइनस थी, ठीक है। तो वो लॉन्ग रेंज के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा रही है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी कंपैरिजन चाहिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।